दोस्तों बज गए 9:30 और अभी तो कोई आया नहीं है दोस्तों, तो हम सोचे खाना पीना अपना बना ले। तो दोस्तों गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, तो यही देखिए दाल रख रहे हैं, दाल वाल धो दिए हैं, ये मुकेश भाई रखने जा रहे हैं, थोड़ा सेटिंग बनाना पड़ता है। दोस्तों बज गए 12:30 और गाड़ी पॉइंट पर लगा दिए हैं। गाड़ी पॉइंट पर लगाने में दोस्तों बहुत दिक्कत हुआ क्योंकि बहुत ही कंजेस्टेड जगह है, थोड़ा सा लगाने में बड़ा दिक्कत हो रहा है, देख ही रहे हैं आप लोग, पूरा मिट्टी का रिदम। बज गए 8:30 और हम लोग आ गए लोकेशन पे। दोस्तों ये सामने देखिए बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग का मटेरियल है दोस्तों, तो लिफ्ट का सामान है उसका। तो दोस्तों वहाँ चौराहे पर से थोड़ा सा नाश्ता ले लिए, ये देखिए ले लिए हम कहीं वहाँ से ले लें, और थोड़ा सा सब्जी भी ले लिए ऐसे आलू टमाटर वमाटर, क्योंकि अभी वहाँ जाएंगे तो कुछ खाने को मिलेगा तो है नहीं, यहाँ पर देख ही रहे दोस्तों, यहाँ कुछ खाने का कोई उम्मीदा नहीं लग रहा है, दूर दूर से कोई मार्केट है नहीं है, मार्केट दोस्तों बाहर है 40 किलोमीटर बाहर जाना पड़ेगा, यहाँ पे सब वही दोस्तों फ्लैट ही एरिया बन रहा है, देखिए पूरा सब आजू बाजू सब वही है फ्लैट ही है। मेन रोड से दोस्तों ज़्यादा ज़्यादा यहाँ मेन रोड से आधा किलोमीटर अंदर है मेन रोड से, ज़्यादा कोई घूमना नहीं पड़ा अपने को। तो दोस्तों ये पोहा ले लिए थे, यहाँ गुजरात में पोहा बहुत फेमस है, यहाँ सुबह का नाश्ता पोहा ज़्यादा करके रहता है चौराहे वराहे पर। तो दोस्तों इसको भी चलते हैं नाश्ता कर लेते थोड़ा, फिर उसके बाद दाल चावल बना लेंगे अपना, अभी देखिए 10 बजे के बाद ही आएगा तो खाली लेने के चांस है, तो अभी टेस्ट करते हैं इसका, देखें कैसा स्वाद है। दोस्तों मस्त स्वाद है, चलिए ठीक है दोस्तों नाश्ता वास्ता करके थोड़ा आराम करेंगे अभी, उसके बाद खाना पीना बनाएंगे, 10 बजे के बाद ही पता चलेगा गाड़ी कैसा लेगा। दोस्तों बज गए 9:30 और अभी तो कोई आया नहीं है दोस्तों, तो हम सोचे खाना पीना अपना बना ले। तो दोस्तों गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, तो यही देखिए दाल रख रहे हैं, दाल वाल धो दिए हैं, ये मुकेश भाई रखने जा रहे हैं, थोड़ा सेटिंग बनाना पड़ता है दोस्तों, धो दिए मसाला वसाला उसमें दही वो क्या बोलते हैं हल्दी वल्दी सब डाल दिए, अभी रख देंगे, अभी हो जाएगा दोस्तों तो फ्राई कर लेंगे, उसके बाद तब चावल बना लेंगे, चावल बना के खा पी के अपना आराम करेंगे, देखेंगे भी अपने पीछे भी एक गाड़ी आ रहा है दोस्तों, हो सकता है वो गाड़ी आए तभी खाली करें क्योंकि क्रेन से खाली करना होगा, वैसे ही मटेरियल सब बॉक्स अंदर है, सब पूरा बड़ा बड़ा बॉक्स है, तो क्रेन से ही मुझे लगता है खाली हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई उस तरह लिफ्टर का सब वो है ही नहीं कि लिफ्ट से उठा के नीचे रख देंगे, तो मेरे को लग रहा है गाड़ी आ जाएगा तभी खाली होगा, तब तक बना के जाकर अपना खाना पीना बना के आराम करते हैं। तो दोस्तों अभी रख दे रहे हैं, ये देखिए गैस जला रहे हैं मुकेश भाई, जला के रख दीजिए, गर्मी दोस्तों यहाँ बहुत ज़्यादा है, ये देखिए आजू बाजू सब पूरा बढ़िया एरिया है, वो देखिए सामने मेट्रो है अहमदाबाद, हमें लग रहा है अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो है, इधर सब पूरा आजू बाजू सोसाइटी है दोस्तों, सब टोटल इधर रेजिडेंस एरिया है, इधर मतलब सब रहायशी है पूरा, अभी समझ लग रहा है सिटी तैयार हो रहा है, बना नहीं है पूरा कंप्लीट सिटी,
दोस्तों अपना दाल रख दिए, तो चलिए दोस्तों भी दाल दाल चावल बना के अपना खा पी के आराम करेंगे। दोस्तों हमारा दाल हो गया, तो इसको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। तेल डाल दे रहे हैं, थोड़ा तेल दोस्तों गर्म हो जाए तो इसमें जीरा देखिए प्याज व्याज अपना काट ही लिए, प्याज लहसुन मिर्चा टमाटर। और कोई दोस्तों सब्जी नहीं मिला था, क्योंकि सब्जी सब कल का पड़ा हुआ था तो हम लिए नहीं उस सब्जी, वो बोला था 10 बजे के बाद आएगा, अब यहाँ से बाहर वहाँ जाना होगा। अभी देख रहे हैं अगर आज नहीं खा लिया होगा तो फिर शाम को जाके कहीं सब्जी वब्जी लेके आएंगे। बाकी धनिया वनिया सब ले लिए, धनिया तो काट दिया, धनिया बुलाएंगे। दोस्तों तेल गर्म हो गया, इसमें जीरा डाल देते हैं, देखिए जीरा डाल दे रहे हैं, खूब बढ़िया से गर्म हो गया दोस्तों। अब इसमें प्याज और लहसुन डाल देते हैं दोस्तों, तो इसको चला के बढ़िया से प्याज को गला लेते हैं और उसके बाद मिर्ची डाल के फिर टमाटर डाल के गला देते हैं। तो प्याज अपना लाल हो गया है, अब इसमें टमाटर डाल दे रहे हैं, टमाटर डाल के दोस्तों इसको बढ़िया से गला लेते हैं टमाटर को। जो सब टमाटर वमाटर सब बढ़िया से गल गया है, अब इसमें दाल डाल देते हैं एकदम बढ़िया तड़के में, तड़का कहीं तेज कर दोस्तों। इसमें दाल डाल दे रहे हैं, हाँ देखिए बढ़िया कलर आ गया दोस्तों अपनी दाल का। दोस्तों इसमें धनिया डाल देते हैं, धनिया पत्ती, इससे क्या स्वाद थोड़ा बढ़िया आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी चावल धो के चावल रख लेंगे, उसके बाद खाना अपना हो जाएगा सर। अब देखिए कितना बढ़िया दाल हो गया दोस्तों। दोस्तों दाल हो गया, फ्राई भी कर लिए, अभी चावल रख दिए, चावल हो जाता है उसके बाद अपने खाएंगे। देखिए अभी पक रहा है, तो चल रहे दोस्तों थोड़ा बाहर, बहुत गर्मी लग रहा है, फिर पसीना। दोस्तों अपना दाल चावल भी हो गया, तो दोस्तों अभी निकालते हैं खाते हैं उसके बाद। दोस्तों चावल तो सही है, न ज़्यादा न कम, एकदम बराबर है। तो दाल निकालते हैं दोस्तों, चावल अपना हो गया, ये अपना दाल दोस्तों, महक अच्छी आ रही है दोस्तों। दोस्तों खाना चालू करते हैं अपन, दोस्तों एक नंबर का दाल बना है, मज़ा आ गया। दोस्तों भी खाना खाते हैं, अभी देखिए वो लोडिंग का जगह देख रहा है उतारने के लिए, अभी जगह का दिक्कत है इन लोग को। तो दोस्तों भी खाना पीना खा के देखते हैं कहाँ उतारना कैसे उतारना। दोस्तों बच गया शाम का 4 और आज हमारा गाड़ी खाली होने का कोई उम्मीद ही नहीं, इधर सामने लगा हुआ है और पीछे वही बिल्डिंग बन रहा है, उसी बिल्डिंग का मटेरियल है, लिफ्ट का मटेरियल है दोस्तों जो लेके आए हैं वहाँ से बेंगलोर से लोड करके। तो उम्मीद है कल खाली हो जाएगा दोस्तों, आज तो कोई चांस नहीं है, और आज जो एक दिन गाड़ी खड़ी होगा उसका हो सकता है खोटी भी मिलेगा अपने को। तो दोस्तों जा रहे हैं थोड़ा सामने, उधर देखिए उधर ये दुकान वकान है, वहाँ से थोड़ा सा सब्जी वब्जी लेने जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आज तो खाना बनाना पड़ेगा शाम को, जा रहे हैं सब्ज़ी लेने के लिए। और अभी आते हैं दोस्तों थोड़ा सा बिल्डिंग के ऊपर, जाके बिल्डिंग में घूमेंगे, टाइम पास करने के लिए कुछ करना पड़ेगा ही दोस्तों। तभी आते हैं दोस्तों, तो आप लोग को भी दिखाते हैं ऊपर ले जाए, ऊपर चल के बिल्डिंग के अंदर का कैसे क्या है, किस तरह उसका डिज़ाइनिंग है अंदर। तो आ रहे हैं दोस्तों सब्ज़ी लेके, दोस्तों सब्ज़ी लेके आ गए, भिंडी लेके आए हैं, भिंडी आज बनाएंगे, और अभी चल रहे हैं ऊपर थोड़ा टाइम पास करते हैं, उधर अंदर बिल्डिंग में थोड़ा घूमेंगे। ये रहा सामने बिल्डिंग, इसी बिल्डिंग का लिफ्ट लेके आए हैं दोस्तों, तो चल रहे हैं इसमें अंदर घूमेंगे थोड़ा सा।
गुड मॉर्निंग दोस्तों, बज गए सुबह के 11 और हम लोग अभी इधर पे ही हैं। तो आज हमारा दूसरा दिन है जहाँ पे आए हैं गांधीनगर में खाली करने के लिए। दोस्तों कल तो नहीं खाली हुआ, शाम हो गया तो, और हम लोग रात में भिंडी की सब्जी और रोटी बना के आराम से खा पी के सो गए। और रात में दोस्तों बारिश भी काफ़ी हुआ था, तो क्या कच्चा है साइड में, इधर ही हम लोग लगाए थे साइड में रोड के, रोड मरा भी नहीं अभी तक, खाली गिट्टी डाल के रखा है। तो पीछे उधर थोड़ा सा पक्का बनाया है तो उधर पीछे कर लिए गाड़ी दोस्तों। तो अभी दोस्तों सुबह भी हम लोग खाना पीना बना लिए अपना, दाल चावल बना के खा लिए हैं। ब्लॉग नहीं कर पाए थे अपना, बना नहीं पाए ब्लॉग क्योंकि गर्मी दोस्तों इतना ज़्यादा है कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी, बारिश हो रहा लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा चल रहा अपने को। और देखिए अपना सुपरवाइज़र भी आ गया है जो जिसका मटेरियल है, और देखिए लिफ्टर भी अभी को आया, उसी लिफ्टर से अपना मटेरियल उतरेगा दोस्तों। तो अभी देखो कहाँ पर लगा के गाड़ी उतरवाता है अपना मटेरियल। तो दोस्तों बने रहिए हमारे ब्लॉग में, अभी आप लोग को दिखाते हैं कब कैसे मटेरियल उतरेगा। और उम्मीद है कि आज खाली हो जाएगा दोस्तों, और एक दिन का हमको लग रहा है खोटी भी वो होल्डिंग भी देगा क्योंकि एक दिन हो जाएगा। कल 9 बजे हम लोग इधर आ गए थे, अभी इस टाइम 11 हो गया, तो 24 घंटे से ऊपर गाड़ी हमारा 21 के यहाँ पर ही खड़ा है। तो देखते हैं दोस्तों अभी आज भी देखिए कब तक उतरेगा अपना। तो चलिए दोस्तों, बज गए 12:30 और गाड़ी पॉइंट पर लगा दिए हैं। गाड़ी पॉइंट पर लगाने में दोस्तों बहुत दिक्कत हुआ क्योंकि बहुत ही कंजेस्टेड जगह है, थोड़ा सा लगाने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। देख ही रहे हैं आप लोग, पूरा मिट्टी का और एकदम देख रहे हैं रोड पे एकदम पूरा टच ही है, पूरा रोड ही ब्लॉक हो गया इधर से। और उधर से देखिए लिफ्टर मटेरियल भी अपना उतारने लगा है, मटेरियल अनलोड हो रहा है। बहुत दिक्कत हुआ दोस्तों इधर अनलोडिंग करने में, अभी हमको लग रहा है कि 1.5 घंटे में खाली हो जाएगा। अभी देखिए पीछे कैसे उतर रहा है, देख ही रहे हैं कितना कंजेस्टेड जगह पे लगा है गाड़ी, पूरा ब्लॉक है एकदम रोड एकदम। आइए देखिए लिफ्टर से उतर रहा है मटेरियल, लिफ्ट का मटेरियल है। हाँ बस वो ले लो, वो लूज है ना। हट जा नहीं तो सापट हो जाएगा, पीछे मत जा। टेंशन मत लो, तुम लोग को भी वायरल करूंगा। सारे बच्चे देख रहे हैं कैसे खाली हो रहा है गाड़ी, और हम लोग इधर बैठ के हवा ले रहे हैं। ड्राइवर का काम ही क्या है, जब गाड़ी खाली होने लग जाता है तो हवा लेना ही है बैठ के, और क्या कर सकता है। तो दोस्तों हम लोग आनंद ले रहे हैं गाड़ी खाली होने का, अभी फटाफट गाड़ी इतना खाली हो जाएगा तो यहाँ से अपने जाएंगे अहमदाबाद। और देख रहे हैं कोयम्बतूर के लिए बात कर रहे हैं कहीं के लिए, कोयम्बतूर के लिए लोड के लिए। अगर कोयम्बतूर का दोस्तों मिल जाएगा तो अपने इस बार कोयम्बतूर जाएंगे, क्योंकि अपना दोस्तों सफ़र उधर ही का रहता है साउथ ही साइड का, और हमें उत्तर प्रदेश साइड जाना में मतलब नहीं ठीक लगता है। उधर जाने का मतलब 10 दिन गाड़ी खड़ी जाएगी, 20 दिन गाड़ी खड़ी जाएगी, कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों अभी अपने बैंगलोर नहीं तो कोयम्बतूर जाएंगे, और नया ब्लॉग अपना फिर दूसरा वीडियो बनाएंगे अपना नई जगह का जाने का कहीं कहीं, क्योंकि हमेशा हर जगह एक ही जगह जाते नहीं हैं। कोयम्बतूर जाएंगे लेकिन जगह अलग रहती है हमेशा, कोई नया मटेरियल रहता है, कोई दूसरा मटेरियल रहता है, तो एक फिक्स मटेरियल लेके नहीं जाते दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बने रहिए हमारे ब्लॉग में, अभी खाली हो जाता है तो यहाँ से रिसीविंग वसिंग लेके हम लोग निकल जाएंगे अहमदाबाद। जाएंगे आज थोड़ा नहाएंगे क्योंकि 2 दिन से नहा नहीं पाए दोस्तों, बहुत दिक्कत है। मुकेश भाई देख ही रहे हैं तो गर्मी से एकदम बेहाल है दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए ठीक है दोस्तों, बने रहिए ब्लॉग में, अभी एंड करेंगे अपने ब्लॉग कुछ टाइम बाद, अभी रिसीविंग मिल जाएगा यहाँ से चले जाएँ उसके बाद एंड करते हैं। बहुत भारी मटेरियल है, दोस्तों बच गया 2:30 और फाइनली अपना गाड़ी खाली हो गया।
देख रहे हैं इधर गाड़ी साइड में इधर ही लगा दिए हैं, इधर ही जहाँ पे थे पहले ही। तभी दोस्तों वो मटेरियल चेक करेगा, चेक करने के बाद तब अपने को रिसीविंग देगा कि मटेरियल ओके। तभी देखेंगे, हो सकता है इधर पता करना पड़ेगा कि नो एंट्री वेंट्री तो नहीं है, क्योंकि इधर नो एंट्री रहता है दोपहर में, तो अपने को पता करके जाना होगा। अगर नो एंट्री रहेगा दोस्तों तो यहाँ से रात में निकलना होगा, रिसीविंग तभी मिल जाएगा अपने को। अभी दोस्तों खाली होने के बाद गाड़ी क्या थोड़ा सा फंस गया था उधर पे, गीला बालू था तो उसकी वजह से फंस गया, लेकिन निकल गया, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। फावड़ा लेके थोड़ा सा मिट्टी उट्टी हटा दिया तो फिर निकल गया अपना, कोई दिक्कत नहीं है अभी दोस्तों। तभी दोस्तों रिसीविंग मिल जाएगा, तब मैं देखेंगे कब निकलना है अपने को। तो दोस्तों अभी